अब सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। वो शेर किसी जानवर को खा रहा था, तभी ये कहती है कि तुम बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। शेर कहता है कि यही ठीक है, और अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा, तुम मेरी रानी बन जाओ और दोनों मिलकर शिकार करेंगे। लेकिन सिम्बा की माँ कहती है, मुझे तुम्हारी रानी बनने का कोई भी शौक नहीं है। तभी बूढ़ा शेर गुस्से से कहता है कि अब से तुम सबको एक भी जानवर खाने को नहीं मिलेगा, पहले इन लकड़बग्घे खाएंगे, उसके बाद उसका बचा कुचा तुम लोग खाओगे। और यहाँ ये लोग सिम्बा को अपने शहर यानी कि जंगल में लेकर आते हैं। यह जंगल सिम्बा को बहुत ही पसंद आता है। सिम्बा यहाँ के जानवरों से मिलता है, वो बहुत खुश था। यहाँ के जानवर कीड़े मकोड़ों को खा रहे थे और यहाँ सिम्बा का परिवार भूखा था। उन्हीं परिवार में एक और शेर थी, उसका नाम नाला था। ये सिम्बा की बहुत अच्छी दोस्त थी और ये रात के समय लकड़बग्घों का जूठा खाने जा रही थी। तभी वो छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर लकड़बग्घे आ गए थे, लेकिन वो शिकार की तलाश में दूसरी तरफ निकल पड़ती है और यहाँ इस बूढ़े शेर को शक होता है। तभी वो देखने जाता है, सिम्बा की दोस्त नाला ऊपर छुपी हुई थी। तभी वो शेर ऊपर देखने जाता है, लेकिन सही मौके पर वहाँ पर वही पक्षी आ जाता है।